जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में बांटे जाने वाली शराब के मद्देनजर मुरादाबाद पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है, क्योंकि ये शराब मिश्रित रूप से बनाई जाती है और इसे पीने वाले लोगों की जान जाने का खतरा बना रहता है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग को साथ मिलाकर एक छापेमार टीम का गठन किया है। इस टीम को सूचना मिली थी कि थाना मुंडा पांडे इलाके मुड़ियासराय निवासी भगवत शरण के घर में अवैध रूप से मिश्रित शराब बनाने का काम हो रहा है, ये शराब चुनाव में लोगों को बांटी जानी है। इस सूचना पर मुंडा पांडे पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ साथ ब्रांडेड शराब की बोतलों के ढक्कन और खाली बोतलों का जखीरा भी बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा करते हुए CO हाईवे ने बताया कि ये शराब चुनाव में प्रयोग लाई जाने वाली थी। थाना मुंडा पांडे और आबकारी की टीम ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया। थाना मुंडा पांडे में एक गांव पड़ता है मुड़िया भाईपुर, इसमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है घर पर अवैध मिश्रित शराब बना रहे हैं, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। क्योंकि चुनाव का समय आ रहा, इसलिए लोग जो है चुनाव में सस्ती दरों पर बेच करके पैसा कमाने की फिराक में थे। और मुखबिर खास की सूचना पर थाना पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त अभियान करते हुए मुड़िया भाईपुर के जो भगवत शरण है उसके घर पर छापेमारी की, जहां पे इनके बड़ी मात्रा में लगभग 20 पेटी शराब बरामद हुई, जिसमें लगभग 400 के पास अड्डे थे और 650 जो है उसकी बोतलें मिली, कौवे की बोतलें मिली। इसके अलावा वहां पर भारी मात्रा में QR कोड और उसके खाली बोतलें 5 बोरी के आसपास खाली बोतलें मिली और इसके ढक्कन मिले, रैपर मिले। और ये लोगों का काम है कि जो इथेनॉल और टैंकर से जाता है उसको बीच रास्ते में लोग रुकवा करके ड्राइवर सेटिंग करके उसको उतरवाते हैं और उससे फिर जो है एक कच्चे अवैध शराब बनाते हैं और उसको सस्ते दरों पर बेचते हैं। सर, कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं? इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम है भगवत शरण, मलखान, जितेंद्र प्रजापति, जितेंद्र यादव और भूरा। और इनका एक नेक्सस है और इसकी जो है जाँच चल रही है कि कौन कौन से लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं, कौन इनको कच्चा माल सप्लाई करता है, कौन QR कोड देता है इनको, कौन सील बंद ढक्कन देता है और ये माल किसको सब बेचते हैं अपने यहाँ से, और फर्दर उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, एक पूरा एक जाल है जिसकी पड़ताल की जा रही है। अभी सबके नाम जो संदिग्ध उनके नाम आपको नहीं बता सकते मीडिया में, क्योंकि इससे उनको भागने का चांस मिल जाएगा। हम अपने स्तर से विवेचना कर रहे हैं इसकी, और जो भी इसके पीछे उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सर, शराब पकड़ी गई है उसकी कीमत कितनी होगी? लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास इसकी कीमत है और बहुत सारे इसमें रैपर QR कोड मिले हैं, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 5 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। सर, जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, इनका कोई वांछित रिकॉर्ड पुराना कोई इनका कोई वांछित रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, बट अभी अब विवेचना कर में देखा जाएगा क्या किसी और मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, क्या ये किसी और गिरोह से जुड़े हुए हैं, क्या कोई ऐसा माफिया गिरोह हमारे यहाँ काम कर रहा है। पिछले दिन हमने सिविल लाइन में भी एक टैंकर सीज किया था, तो उससे भी क्या इसके कोई संबंध है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। सर, क्या अलसंख के दौर में ये विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है, उसके दौरान पकड़ी गई है, पहले भी कभी उसे जी? ये लगातार अभियान जारी, ADG महोदय और शासन और UP पुलिस का जो है निर्देश है कि चुनाव के देखते हुए बहुत सारे लोग अवैध शराब का काम कर रहे हैं और चूँकि इससे जान माल की क्षति होती है, काफ़ी जगहों पर आपने देखा होगा कि लोगों की इस तरह की जहरीली शराब पीने से मौतें भी हुई हैं, इसलिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इसका एक हफ्ते का और भी एक विशेष अभियान है जिसमें जो इस तरह के अवैध शराब बना रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है ये ग्राम प्रधान प्रत्याशियों को सप्लाई करते हैं इस दारू को? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव के समय में ये सस्ते दरों पर जो है जो प्रत्याशी होते हैं उनको भी दे सकते हैं और जो आम पब्लिक उसको भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें एक रेगुलेशन होता है और चुनाव के टाइम आचार संहिता लागू होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं कर सकते हैं, तो इस चोरी छुपे जो है एक प्रत्याशियों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बेचने का प्रयास करते हैं।